अगर अपना जुर्म कबूल करो तो मौत की सजा नहीं होती। तो इंस्पेक्टर आप मुझे अरेस्ट कीजिए क्योंकि असली कातिल मैं हूं। अर्जुन को छोड़ दे। साटम। हाँ जी सर जी। मैडम का बयान नोट करो। जरूर। हाँ तो माया जी, अश्विन मेहरोत्रा से आपकी नफरत बहुत पुरानी थी, तो इतना टाइम कैसे लग गया नफरत का इजहार करने? क्योंकि उस दिन से पहले अश्विन सिर्फ मुझे डराता था, लेकिन उस दिन के बाद अश्विन ने अर्जुन की जान लेने की कोशिश की। किस दिन? मेरे अर्जुन को हाथ लगाने का हक मैं किसी और को नहीं देती। तो इसका मतलब है कि अश्विन ने मेहंदी के दिन अर्जुन को मारने की कोशिश की थी। इसका सबूत आपको मेरे घर पे मिल जाएगा। मैंने कहा था तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान जा सकती थी। माँ। आंटी प्लीज। माया तुम अच्छी तरह से जानती थी ना, अगर मुझे ये बात पता चल जाएगी तो मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। जानती थी ना तुम? माँ बस हो गया। ओके सबको बेवकूफ बना रही है बेटा, और तुम सब बेवकूफ बन रहे हो। अर्जुन को जब इस बात की समझ आएगी ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तू समझता? सब समझ में आ रहा है मुझको, और चिंता मत कीजिए कोई देरी नहीं है। अर्जुन? बस माँ, मैंने सुना था कि माँ वो होती है जो एक बच्चे की दिल की आवाज सुन लेती है। अब या तो मैंने सुना गलत था या फिर आप मेरी माँ आज तक बने नहीं पाए। मैं माया से प्यार करता हूं, और इस वक्त माया को मेरी और आपकी जरूरत है। और अगर आपको ये मंजूर नहीं है ना मां, तो मैं इन दोनों में से एक रिश्ता तोड़ दूंगा। पता नहीं यार, चारी आंटी ने सब क्यों किया? लेकिन तुझे तो पहले से ही शक था कि ये खून चारी आंटी ने किया। लेकिन अर्जुन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जानवी आंटी ने यह खून नहीं किया। तो फिर? पता नहीं, शायद ये सब कुछ किसी और ने किया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंटी ने झूठ क्यों बोला। मुझे तो लग रहा है कि ये सारा जो खेल है ना, उस इंस्पेक्टर ने खेला है। जानवी आंटी ने अपने सर ये सब कुछ। अरे तू क्यों इसमें पड़ रही है? हो गया ना बस। मैं तो इसी में खुश हूं कि केस खत्म हो गया। नहीं अर्जुन, ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। जानवी आंटी ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है कि अश्विन का खून उन्होंने किया। दो-दो मुसीबतें। और तेरी जो ये दो-दो मुसीबतें हैं ना, तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। सही में? सही। साटम। हाँ जी साहब जी। लट्टू देखा है? लट्टू वही ना साहब जी जो घूमता है। हाँ देखा तो है। ये केस भी ऐसे ही घूमता रहेगा। बहुत शक किए, बहुत सबूत मिले, लेकिन हर सबूत गड़बड़।
माँ को कभी भी कोई अकेले नहीं छोड़ेगा। आप सबके हाथ में एक एक स्केड्यूल दिया हुआ है, उसमें माँ को कब खाना देना है, क्या खाना देना है, किस टाइम पर देना है, कौन सी दवाई देनी है, कितना पानी देना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बेडशीट्स कब चेंज होंगी, माँ से कब बात होगी, कितनी बात होगी, कौन बात करेगा, ये सब भी लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई भी गलती हुई, that won't be tolerated. दिन में AC 24 पे होगा और रात में 26 पर। I hope I'm clear. Maya, trust me, even I'm clear. एक बात को 5 बार बोल चुकी हूँ, सब समझ गए होंगे। Guys, please आप लोग बाहर जाइए, हम आपको बुलाते हैं। छोड़ो। आयाने छोड़ मत please. अरे, अर्जुन, छोड़ो ना, दरवाजा खोलो जाकर। Stop. आयान, तेरा ना, मैं खून कर दूंगा। गलत टाइम पे आता है। शुभ, सुमन ने तो कमाल ही कर दिया यार, ये देख कितने प्रिटी है। मैं काम करती हूँ, मैं ना मेरे डफर को शांति स्पॉट पे बुलाती हूँ और ये सारी चीजें दिखाती हूँ। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है ना? पता नहीं, मेरी हुई नहीं ना, होएगी तो बताऊंगा। अब तेरी तो होने से रही। ओ हेलो, मुझे शादी करनी ही नहीं है। शादी में रखा है क्या है? शादी में रखा है ना, तेरी शादी होगी, ये कमरा मेरा हो जाएगा। दबे पाँव वो आते हैं जिनके मन में चोर होता है। डरते वो हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो। माँ कहती है कि किसी की कोई कीमती चीज ले लो तो उसे उतनी ही कीमती चीज वापस देनी पड़ती है। मैं अर्जुन की कोई कीमत नहीं है, इसलिए ये सोना नजराना समझ कर रख लीजिए। आपने भले ही मुझे अपनाया ना हो, लेकिन आज मैंने अर्जुन को अपना बना लिया है। अब से अर्जुन पूरी तरह से मेरा है। मैं आपको मनाना नहीं छोड़ूंगी मैम। आज तक आपको उस तरीके से समझा रही थी जो आपको समझ आए। प्लीज मुझे अपना तरीका अपनाने पे मजबूर मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन आपसे कुछ ज्यादा ही दूर चले जाए। इट्स लुकिंग रियली नाइस। मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। भले ही मुझे अपनाया ना हो, मैंने अर्जुन को अपना बना लिया है।
मुझे अपना तरीका अपनाने पर मजबूर मत कीजिए कि अर्जुन आपसे कुछ ज्यादा ही दूर चले जाए। अरे तुम ऐसे ही बैठो, अभी तक नहाने जाओ। यार मैं ये सोच रहा हूँ, जिस तरीके से तुम जैसे आंटी पे नजर रख रही हो कैमरा के साथ, कभी तुमने मेरे ऊपर भी कैमरा में लगा दी तो नजर रखने के लिए? तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इन लोगों पर नहीं है। क्यों? अरे माया, माँ इधर आओ। मैंने कहा था इन लोगों के लिए ये सब काम है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी माँ है। ये कुछ बोल नहीं सकती, इन्हें कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन मुझे इनका दर्द पता चलता है। मैं जानती हूं मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन मैं क्या करूं? एक तरफ ये माँ है जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकती, और एक तरफ वो माँ है जो मेरे बनाए बगैर मैं उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं फंस गई हूं अर्जुन, एक बहू और बेटी के फर्ज में मैं फंस गई हूं। लेकिन मेरी मां ने मुझे सिखाया। वाह माया, तो ये है तुम्हारा तरीका मुझे मनाने का, अर्जुन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना। क्या है ये सब? तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो अर्जुन। अर्जुन ये सारी माया की चाल है और हम सब उसके प्यादे हैं। तुम, मैं, आयान, सांझ, यहां तक के जानवी जी खुद, जब जैसी जिसकी जरूरत चाल चल दी। तुम्हारी परछाई ने मेरे घर की रोशनी छीन ली, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। नहीं माँ, आपके बेटे को आपकी इज्जत ने छीना। अर्जुन प्लीज। नहीं माया, जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं, मुझे उस घर में नहीं रहना। मुझे उस घर में नहीं रहना। हम आज अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़ के जाते। चलो मैं। अर्जुन, तो मेरे लिए ये सब, ये तुम्हारे या मेरे लिए नहीं, कि हमारे लिए। चलो भाई, प्लीज भाई चलने। मॉम प्लीज भाई को समझाओ ना भाई। नहीं यार, आज माँ ने मुझे मेरी असली जगह दिखाई दी। सौतेला आके सौतेला ही होता। भाई प्लीज यार, प्लीज भाई, भाई भाई सुनना यार, भाई प्लीज। अर्जुन प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। सब माया की चाल थी,
मेरे और मेरे बेटे के बीच में दीवार खड़ी करती, ये सब माया का किया धरा था, ये सब माया का किया धरा था। मॉम मॉम मॉम, माया भाभी ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ आपका किया हुआ है। भाभी की गलती नहीं है, गलती आपकी है। मैंने आपको कहा था ना कि आपकी बातें आपके बेटों को आपसे दूर ले जाएंगी, चले गए ना। तू समझ नहीं रहा है, ये सारी माया की चाल है। और तुम आप नहीं समझ रहे हो, भाभी ने इस घर को एक करने की कोशिश की थी और आप उन्हें मौका ही नहीं दे रही थी। तुम्हें ऐसा लगता है बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है आंटी, ऐसा ही है। आज आपकी सोच की वजह से अर्जुन आपसे दूर चला गया। आंटी अब आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी बेटी आपके साथ रहेगी। वाओ, इतना कुछ ब्रेकफास्ट। अर्जुन तुमने ये शर्ट पहनी? कोई प्रॉब्लम? मैंने तुम्हारे लिए टी शर्ट बाहर निकाल के रखी थी, मेरे लिए ये पहनोगे? ऑफ कोर्स, लाइए मैडम टी शर्ट राइट। मॉम मॉम, खाने ने कुछ नहीं किया, उससे क्यों नाराज हो रहे हो? अर्जुन का फोन आया था। कैसा है वो? बहुत दुखी होगा ना, बहुत गुस्से में भी होगा। गुस्सा हमेशा से उसकी प्रॉब्लम थी, गुस्सा होता और कुछ भी कह देता है और फिर उसे सॉरी कहने में भी तकलीफ होती है। मैं जानती हूँ वो दूर है यहाँ से, लेकिन फिर भी उसका दिमाग दिल सब यहाँ होगा मेरे पास। क्या हुआ? मॉम भाई खुश है, भाई खुश है। नहीं वाह, बताओ तुम तो आज आंटी के साथ घर पे हो। सो क्या मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा सकता हूँ? वो क्या है ना, ओपन जीप में बाल बाल खराब हो जाएंगे मेरे। अर्जुन जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। ओके देन, आई विल सी यू। केयरफुल। कपड़े मेरे मर्जी के, खाना मेरे मर्जी का, प्यार भी मेरी मर्जी से। मर्जी मेरी होगी पर राज तुम करोगे। माया का प्यार तुम्हें जमीन पर ही जन्नत दिखाएगा। अर्जुन कितना बदल गया है ना, वो इतने जल्दी हमारे रंग में घुल मिल गया है, उसे हमारा लाइफस्टाइल पसंद आने लगा है, हमारा घर पसंद आने लगा है। मैम मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। That's a wonderful news. Congratulations. तुम्हें जब भी छुट्टी चाहिए होगी ना मुझे बता देना। हर लाइन की तरफ सही और गलत होता है, अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा साइड चुन रहे हैं। Anyway, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ तो बोल ना, बैठ। वो अरे यार डस्की, तू कब से मुझसे नजर चुराने लगी? मैं तेरा डफर हूँ, बोल क्या बात है। डफर? आई मीन
अर्जुन, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। साइन दिया। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे इस घर में नहीं, सिर्फ आपके दिल में जगह चाहिए। ऐसी जगह जो माफ, प्लीज प्लीज माफ, आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्लीज माफ, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रही हूँ। एक बार मुझे घर में आने दीजिए, एक बार मुझे मौका दीजिए। प्लीज मुझसे बात करिए माँ, मैं उठक बैठक भी करने के लिए तैयार हूँ माँ। अरे तो माया मेहरोत्रा है ना, जिसकी शर्मा जी के घर शादी हुई है। देखो कितने बड़े घर की बेटी होकर कैसे माफी मांग रही है। क्या हो गया ये बंधु जी को, इतनी कठोर कब से हो गई है? माया, तुम्हारे हाथों से खून बह रहा है। छोके साथ शायद मेरा खून देखकर माँ मुझे माफ कर दे। माँ, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। मैं ऐसे ही यहाँ पर खड़ी रहूंगी। या तो आप मुझे आज माफ करेंगी, या तो मेरी जान लेंगी। हेलो भाई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।